अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज है जी 16 मई और हम रवाना हो रहे हैं जी इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी कैंप लाहौर में और यहाँ से हम जाएंगे इन कोस्टर्स पे वाघा बॉर्डर के लिए और वहाँ से फिर हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। इमिग्रेशन के बाद आगे देखते हैं, आगे हम ट्रेन पे जाएंगे या बस पे, ये वहाँ जाके ही हमें पता चलेगा। तो उम्मीद है मेरे साथ मेरा ये सफ़र जो है वो आप इंजॉय करेंगे। ये दोस्तों हम वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं जी। ये सामने इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन की तरफ बस जा रहे हैं अभी और पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ जी। दोस्तों मैं इस वक्त इंडियन साइड पे आ चुका हूं जी, पाकिस्तान इमिग्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये देखें जी, ऑफिशियली अब हम इंडिया में एंटर हो चुके हैं। वो सामने हमारा बाबे आज़ादी और ये इंडियन गेट और ये इस तरफ जी। अभी हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ, इंडियन इमिग्रेशन की तरफ, और वो है जी इस तरफ। तो अभी चलते हैं इंडियन इमिग्रेशन की तरफ, बाकी फिर बाद में आपसे जो है वो वीडियो बनाएंगे। ये दोस्तों अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं जी अभी हम, और ये जो है इधर सामान लोड होगा और उसके बाद बस पे जो है वो हमें बिठा के तो इमिग्रेशन की तरफ ले जाया जाएगा। तो वो सामने दोस्तों फेंसिंग देख रहे हैं आप, इसके उस पार जो है जीरो लाइन है और जीरो लाइन के उस पार आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ये दोस्तों हम आ चुके हैं जी ये इंडियन साइड पे और अभी आप देखेंगे ये बस है, तमाम ज़ायरीन जो हैं वो इसमें बैठेंगे और उसके बाद इमिग्रेशन तक जाएंगे हम। और सामान ऑलरेडी मैंने जो आपको दिखाया है ट्रक, उसमें वो लेके चले गए हैं। ये सब पाकिस्तानी भाई हमारे साथ हैं। दोस्तों अभी हम बस में बैठ चुके हैं जी और ये हम जा रहे हैं इस वक्त इमिग्रेशन की तरफ। ये इंडियन साइड है जी। ये देखें दोस्तों जो सामान हमारा इन्होंने उसमें ट्रक में डाला था वो यहाँ रखा हुआ था जी, और यहाँ से अभी हमने अपना सामान लिया और ये जा रहे हैं जी इमिग्रेशन की तरफ। वो सामने इमिग्रेशन बिल्डिंग है जी, पैसेंजर टर्मिनल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बनाया हुआ है जी जत्था शेड, यानी कि जो ज़ायरीन हैं वो इस तरफ जाएंगे। ये ज़ायरीन के लिए इन्होंने अलग से जो है वो शेड बनाया हुआ है। तो अभी हम जाएंगे उस तरफ शेड की तरफ। ये दोस्तों ये शेड आ गया जी ज़ायरीन के लिए। अब यहाँ पे जो है कोरोना की रिपोर्ट चेक की जाएगी और फीवर चेक किया जाएगा जी। दोस्तों यहाँ पे फीवर चेक हुआ है जी और उसके बाद यहाँ पे हमें दो फॉर्म दिए गए हैं, वो फिल किए हैं। एक ये फॉर्म है जी और एक ये इमिग्रेशन फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म फिल किए हैं। दोस्तों अभी मैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रहा हूँ जी, ये सामने पैसेंजर टर्मिनल है, यहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद इमिग्रेशन करवाते हैं। वीडियो करते हैं बंद क्योंकि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है आगे। दोस्तों मैं इस वक्त बाहर आ गया हूँ जी इमिग्रेशन से, इंडियन इमिग्रेशन से, और सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो पोलियो का सर्टिफिकेट है वो इन्होंने नहीं माना, वो कहते हैं जी आपको पोलियो के ड्रॉप्स लेना पड़ेंगे। तो पोलियो के ड्रॉप्स लिए हैं जी, उसके बाद इमिग्रेशन और उसके बाद कस्टम, कस्टम में उन्होंने सारा लगेज चेक किया। तो अभी जो है वो मैं ये देखें जी, ये इमिग्रेशन बिल्डिंग है इनकी, यहाँ से बाहर आ गया हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे वो बसेस लगी हुई हैं,
इन बसेस में बैठ के हम जाएंगे जी अमृतसर रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से हमारी ट्रेन है जी दिल्ली के लिए। ये दोस्तों बस है जी, अभी इस बस में हम जाएंगे जी अमृतसर रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम ट्रेन पे दिल्ली के लिए निकलेंगे। ये है जी अमृतसर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे भी हम आए हैं और अभी ये वेटिंग रूम में हमें बिठा दिया गया जी। ये देखेंगे ये सारे दोस्त जो हैं तो आगे में खड़े हैं। ये है जी दोस्तों, इनकी तरफ से खाना दिया गया ज़ायरीन को और ये सब ज़ायरीन जो हैं वो इस वक्त खाना खा रहे हैं। और ये है जी, ये खाना दिया गया इनकी तरफ से, चावल है और जर्दा है। ये चावल में जी पनीर और बढ़िया जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं पाकिस्तान में भी मिलती हैं, और ये एक पानी की छोटी जो है वो कप एक पानी का दिया गया। तो इसी तरह ये आप देख सकते हैं सर, टोटल जो है जी ये 110 ज़ायरीन हैं जो पाकिस्तान से अमृतसर पहुँचे हैं, और यहाँ से अभी हम जो है वो 8 बजे की ट्रेन से जाएंगे दिल्ली। दोस्तों अभी हम ज़ायरीन जो हैं जी वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं यहाँ से अमृतसर रेलवे स्टेशन से, और बड़ा लॉन्ग जो है वो वेट था, तकरीबन 8 घंटे का इंतज़ार था जी यहाँ पे। और अभी भी ये ट्रेन जो है ये डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाएगी, ये किसी और सिटी जाएगी, वहाँ से फिर ट्रेन चेंज होगी और उसके बाद फिर हम दिल्ली जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं जी जलंधर रेलवे स्टेशन पे। ये है जी जलंधर का रेलवे स्टेशन, ये आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फाइनली। 16 घंटे का सफ़र था जी अमृतसर से यहाँ तक, वैसे नॉर्मली 6 घंटे का सफ़र होता है लेकिन हमें बहुत जो है ना वो तंग किया गया,
वहाँ से अमृतसर से अम्बाला, अम्बाला से फिर ट्रेन चेंज हुई और वहाँ से अभी फाइनली हम दिल्ली पहुँचे हैं। और लाहौर से हम कल निकले हैं जी 8 बजे, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन जो है वो 30 to 31 hours हो चुके हैं जी, और अभी हम सफ़र में हैं। और अब यहाँ से हम जाएंगे जी होटल में, और बाहर बसों पे बैठेंगे, और वहाँ से हम जाएंगे बसेस में होटल के लिए। तो आगे अब ये आगे देखते हैं जी जाके कैसा जो है वो इंतज़ाम किया गया है गाइडिंग के लिए। फिलहाल अभी तक तो बहुत ज़्यादा थकावट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से बुरा हाल है जी। ये एक भाई है हमारे साथ, तो उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा है जी। ये अमाद भाई हैं, उनसे करते हैं जी बात। अमाद भाई, आपका सफ़र कैसा रहा है जी? सर सफ़र बेहतरीन रहा, लेकिन टाइम बहुत लगा दिया उन्होंने यार, देने एक पूरा ज़ाया कर दिया हमारा, उसके लिए हम थोड़ा क्लेम करेंगे। हम जाएंगे जी होटल की तरफ, और ये साथ में सिक्योरिटी भी है जी। ये दिल्ली रेलवे स्टेशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40+ है। ये दोस्त निकल रहे हैं जी बस से अभी, और होटल में हम जा रहे हैं अभी। ये है जी मिलान होटल DX, दिल्ली में ये हमारा होटल है जी। और अभी हम सामान निकालेंगे और फिर उसके बाद चलते हैं जी होटल की तरफ। ये है जी सब दोस्त जो हैं वो होटल के अंदर आ चुके हैं, और ये सारे तमाम पाकिस्तानी जायरीन हैं जो पाकिस्तान से अभी इंडिया आए हैं जी। ये तकरीबन 32-33 hours के बाद ही दिल्ली पहुंचे हैं, और यहाँ पे हम अपना व्लॉग जो है वो करते हैं जी ख़त्म। और आपने देखा होगा कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।